अजमेर शहर में लगातार ऑनलाइन ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। शहर के अलवरगढ़ इलाके के रहने वाले दौलाबटा निवासी ललित चौहान के बिना बनाए क्रेडिट कार्ड से 3,16,000 निकालने का मामला सामने आया है। ललित चौहान के वकील धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि मई और जून में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ललित चौहान के पास घर पहुंचा, जबकि ललित चौहान का कहना है कि उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया ही नहीं और इस क्रेडिट कार्ड के लिए दस्तावेज कहां से आए। इस मामले को लेकर परिवादी ललित चौहान द्वारा अलवरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच जून महीने में इसी कार्ड से 3,16,000 की शॉपिंग व परचेसिंग की जाती है, जिसको लेकर परिवादी द्वारा एसपी को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी के वकील धर्मेंद्र चौहान ने कोर्ट में इस्तगासा कर अलवरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे कि इस मामले में मिलीभगत करने वाले बैंक कर्मचारी व अन्य लोगों पर कार्रवाई हो सके। फिलहाल पुलिस ने 156 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे कि मामले का खुलासा हो सके। इसमें ललित चौहान है, सन ऑफ हंसराज चौहान, ये दोलावटा निवासी है और अभी वर्तमान में जयपुर में कार्यरत है। इसमें टोल नाके पे इन लोगों का क्या है, खुद का एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इनके पास फ़ोन आया, मैसेज आया था कि भाई तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड है वो तुम्हारे को रिसीव हो गया। ये है मई अप्रैल की बात 19 की। इन्होंने कहा कि मेरे को तो ऐसा कोई मिला ही नहीं, मैंने बनाया नहीं, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। वो SBI वालों का आया था कस्टमर केयर से फ़ोन या मैसेज, तब इन्हों को फिर जून में इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड इनके घर पर प्राप्त हुआ, जो कि इन्होंने बनवाया नहीं था। जैसे इनको जून में प्राप्त हुआ, इन्होंने इसकी सूचना कस्टमर केयर पर दी कि मैंने इस तरह का कोई भी क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कहा ही नहीं है, ना दिया है, और मेरे नंबर कैसे आउट हुए और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, उनके वगैरह बनता नहीं, वो कैसे आउट हुआ। कस्टमर केयर वालों ने कोई उन पर तवज्जो दी नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, वो मेरे पास आए शिकायत करवाने के लिए, तो मैंने कहा तुम पहले कस्टमर केयर वालों से बात करो और वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे इस बात की एक CD तैयार करो। तो उन्होंने फिर अपने मोबाइल में उन्होंने की वार्ता टेप करी। टेप करने के बाद उन्होंने का कोई रेस्पॉन्स था नहीं, कोई कोऑपरेशन था नहीं। जब कोऑपरेशन नहीं था तो मैंने फिर इन सबकी CD तैयार करके एक लिखित रिपोर्ट अलवरगढ़ थाने पर दी। अलवरगेट थाने वालों ने उस रिपोर्ट को दर्ज किया अपने रजिस्टर में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो मजबूर होकर मुझे SP साहब के यहाँ पर एक शिकायत भेजनी पड़ी। SP साहब के यहाँ से रिमाइंडर आने की सूचना ही मेरे मोबाइल पर आ गई, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब फिर मैंने कोर्ट में एक इस्तगासा पेश करा कि हमने कोई किसी तरह का क्रेडिट कार्ड बनवाया ही नहीं है और वहाँ से 3,16,000 उस क्रेडिट कार्ड में से चले भी गए हैं, मतलब डीलिंग हुई है, परचेजिंग हुई है या जो भी, और वो मैसेज भी हमारे पास आया है, जबकि हमने क्रेडिट कार्ड को अभी जो नया आया था क्रेडिट कार्ड जो SBI से उन्हें बताया, वो अभी तक उन्होंने किसी तरह से ऑपरेट किया ही नहीं था। तो फिर कोर्ट ने इस बात को सुना, रिपोर्ट मंगाई थाने की SP साहब की, JM 6 आशिमा माथुर मैडम ने, और फिर उस पर उन्होंने 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस पर फिर अलवरगेट थाने पर गई, 156(3) मतलब FIR लॉज होके इसमें पूरी जाँच होने के लिए गई है, क्योंकि 3,16,000 की इसमें जिस तरह से डीलिंग हुई है, जिस तरह से लेन देन हुआ है, कल को मेरे को भी इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। तो मैंने तो न्यायालय का सहारा ले लिया, मेरी पार्टी ललित चौहान ने, और वो सीधे अपने हकों का प्रयोग करते हुए उसने वर्तमान में परिवाद पेश किया। ललित चौहान ये धोलावाटा में जो अपने लक्ष्मी गार्डन है उस जगह रहते हैं, और अभी वर्तमान में जयपुर में पोस्टिंग है इनकी।